नागपुर के प्रेस क्लब द्वारा विदर्भ कैरम एसोसिएशन के सहयोग से अनोखी कैरम स्पर्धा कला आयोजन 18 और 19 जून को किया गया। यह प्रतियोगिता मुख्य रूप से पत्रकार लोगों के लिए आयोजित की गई थी। स्पर्धा में शामिल हुए पत्रकार बंधुओं को सहभाग प्रमाण पत्र और विजेताओं को मोमेंटो के साथ एक कैश प्राइज दिया गया। कैरम खेलने से एकाग्रता बढ़ती है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से पत्रकार लोग अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर अपनी एकाग्रता, अपनी प्रतिभा को बढ़ाए, यह इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था। विदर्भ कैरम एसोसिएशन के सहयोग से नागपुर प्रेस क्लब और स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मीडिया स्टाफ कैरम प्रतियोगिता में कुणाल राउत ने मेन सिंगल्स फाइनल और डबल फाइनल में विजय प्राप्त की। सिविल लाइंस के प्रेस क्लब सभागार में रविवार को समाप्त हुए टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स फाइनल में कुणाल ने विजय ठाकुर को 25-0 से हराया। डबल फाइनल में कुणाल और विनोद सूर्यवंशी ने पंकज नाचपांडे और चित्तरंजन नागदेव को 25-8 से हराया। मुख्य अतिथि कलेक्टर आर विमला द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर अंकुर सीड्स के कार्यकारी निदेशक विशाल उमालकर, क्लब के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मैत्र, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, सचिव चारुदत्त कहू, प्रतियोगिता के आयोजक डॉक्टर राम ठाकुर, सचिव पारितोष प्रामाणिक और प्रमुख पंच सिद्धार्थ नारन उपस्थित थे। अन्य निकाल कुछ इस प्रकार: मेन सिंगल्स फाइनल में तीसरे स्थान पर पंकज नाचपांडे ने कार्तिक लोखंडे को 25-20 से हराया। सेमीफाइनल में कुणाल राउत ने पंकज नाचपांडे को 25-1, विजय ठाकुर ने कार्तिक लोखंडे को 25-0 से हराया। तो वहीं डबल्स फाइनल में तीसरे स्थान पर परितोष प्रामाणिक ने नसीम शेख को, महेश सारंगी ने मनीष श्रीवास को 25-8 से हराया। सेमीफाइनल में कुणाल राउत ने विनोद सूर्यवंशी को, परितोष प्रामाणिक ने नसीम शेख को 25-10, पंकज नाचपांडे और चित्तरंजन नागदेवते ने महेश सारंगी, मनीष श्रीवास को 25-4 से हराया। आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर इस अवसर के लिए आपके साथ आपकी जीत की सेलिब्रेशन करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई हूँ। कैरम एक ऐसा गेम है जो आई थिंक हर इंसान कभी ना कभी अपने लाइफ में खेलता है, बचपन में खेलता है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है, कभी आउटिंग पे जाए तो खेलता है, पर ऐसा स्पोर्ट खेलना मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे भी आपकी जो लाइफ है एज जर्नलिस्ट काफी स्ट्रेसफुल रहती है, डिफिकल्ट रहती है, लिखना होता है आपको, आपकी क्रिएटिव स्किल्स यूज करने होते हैं, और इस ऐसे में मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर इसको एक ऐसे बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बहुत जरूरत है जो उसको और शार्पन कर सके। और मुझे लगता है कैरम से बेहतर कोई होगा नहीं जिसमें आपको एक तो स्फूर्ति चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स चाहिए कि एग्जैक्टली जो गोटी है जाके पॉकेट में गिरनी चाहिए, तो हाथों में एक वो स्किल चाहिए, एक प्रॉपर कंट्रोल चाहिए। मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको जो आप जर्नलिज्म में यूज करते हैं इस गेम में भी आपको यूज करने के लिए मुझे लगता है पूरा पूरा सहयोग मिला होगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप में से कुछ लोग इसमें फाइनल्स तक पहुँच कर आपको प्राइजेस भी मिलने वाले, अगर मैंने सुना कि कैश प्राइज भी मिलने वाले तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ट्रॉफी वॉफी तो अच्छा लगता है पर जेब थोड़ी गर्म हो तो किसी भी अच्छा लगता है। तो ये कैश प्राइज भी आपको मिल रहा है तो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत एक्साइटेड है और कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। आज फादर्स डे भी है तो बचपन में हमारे फादर ने ही मुझे ये मित्र जी मिले भी है, उनसे इस गेम से इंट्रोड्यूस किया था और बहुत अच्छे सुहाने अनुभव है, बहुत खुशी वाली बातें भी मुझे याद है स्पोर्ट्स के बारे में, इसलिए मुझे बुलाया यहाँ पर तो मैं बहुत खुश थी कि अच्छा है, मैं डेली मोमेंट्स करूंगी। और मेरे फादर को भी मैंने बताया आज फोन पे कि मैं ऐसे एक प्रोग्राम में जा रही हूँ जहाँ पे कैरम के स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी और मैं आपको सभी को बहुत अच्छा विश करती हूँ। नागपुर में नागपुर के डेवलपमेंट के लिए प्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, नो डाउट। तो जैसे अगर मास्क का भी कह रही यहाँ तो बहुत कम लोगों ने पहना है, कोविड के नंबर्स बढ़ रहे घट रहे होते रहता है और एक कैजुअलनेस कई बार हम लोगों में आती है। तो प्रेस जो हमारे साथ किसी भी में हो, मतलब तो जैसे जिक्र हुआ था कि ब्रेक द बायस मैराथन में जो सक्सेस हुआ था तो आपने हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया था। तो हर चीज में कोविड हो कोई और चीज हो, हमेशा ही मैं चाहूंगी प्रशासन के साथ आप सहकारी करते रहे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, मतलब ये मैं नहीं चाहूंगी कि आप मतलब अच्छी चीज है ये कि प्रशासन मैनेज करने में
काफी सारे चीजों को सामना करना पड़ता है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कभी कभी कम ज्यादा होते हैं और इन सभी को ध्यान में रखते लोगों की कैपेसिटीज अलग अलग होती है, पर ये सभी को साथ में रख के हमें अच्छा काम करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी बात है कि हम लोगों में एक खेल भावना है जो हम अभी भी जिंदा रखे, वो जज्बा रखे कि हार जीत को हमको एक्सेप्ट करना है। तो ये जज्बा के साथ मुझे लगता है कि पत्रकारिता में आप कहीं ना कहीं जज्बा जिनमें है हार और जीत, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, पार्टीजन वे से कोई पत्रकारिता नहीं करता, समाज को दिशा वही लोग दे पाएगा जो पार्टीजन नहीं रहता हूँ। तो ऐसे चीज आप लोगों में अभी भी बरकरार है, आप लोग इतने बड़े संख्या में हमारे बीच में मौजूद रहे, दो दिन तक आप लोग खेले, कई लोग हारे कई लोग जीते, मगर जो हारे हैं वो दोबारा नेक्स्ट टाइम हम दोबारा जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो लोग जीत जाएंगे, बहुत बिग वे से वॉच करेंगे, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। आप सब आए सही में, मैं मन से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।